हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द पीएम ट्यूटोरियल्स में। ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन की सीरीज में हमने अब तक देखा कि ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करते टाइम, जिसमें हमने उसके मैनुअल्स और स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में स्टडी किया, ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में पढ़ाई किया, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ा। और अब हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करने के टाइम पे कौन से टाइप का ऑयल यूज़ होता है ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल शैल बी सप्लाइड विद द ऑयल एज पर द IEC स्टैंडर्ड 335, जो स्टैंडर्ड होता है IEC 335 स्टैंडर्ड, इसके हिसाब से होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। और एक और स्टैंडर्ड दिया है IEC 600296। ये दोनों स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ट्रांसफॉर्मर का ऑयल होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करने में बहुत ही आसानी हो। ऑयल मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये एक पैरामीटर होता है, उनको फॉलो करते हैं। इनमें कोई किस टाइप की फिल्ट्रेशन इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जल्दी ही रीयूज लाइक ना हो जाए, जल्दी ही कंटामिनेट ना हो जाए, उस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। एंड Type 1 मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड बी सर्टिफाइड टू नॉन कन्फॉर्मेंस ऑफ नॉन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है। तो ये जो ऑयल है वो एक सर्टिफाइड होना चाहिए कि नॉन, जो ये है कि ये जो स्टैंडर्ड दे रखा है नॉन पॉलीक्लोरिनेटेड और बायफिनाइल्स, इनके लिए क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, नॉन कन्फॉर्मेंस हो, ठीक है। दस ट्रांसफॉर्मर ऑयल शैल बी ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर ऑयल ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ऑयल का, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके लिए भी टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल हम यूज़ करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज़ करने में, पहला तो IEC स्टैंडर्ड 335 और IEC स्टैंडर्ड 600296 को फॉलो करना चाहिए। ये नॉन कन्फॉर्मेंस होना चाहिए किसके, नॉन पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनल्स PCBs के, और ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड बी टेस्टेड एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अब अगली बारी बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन में कंजर्वेटर। एक कंजर्वेटर होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन टैंक कंजर्वेटर कैसा होना चाहिए, क्या डिज़ाइन एस्पेक्ट्स क्या उसके फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कंजर्वेटर होता है मेन टैंक कंजर्वेटर, कंजर्वेटर शैल बी डिज़ाइन टू मीट द एक्सपेंशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑयल वॉल्यूम्स रिस्पेक्टिवली। जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो वॉल्यूम होता है, मतलब जितना ट्रांसफॉर्मर ऑयल आप यूज़ कर रहे हो उसका एक्सपेंशन हो जाए और वो लाइक कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो ईजिली हो जाए। इसमें कंजर्वेशन शैल हैव एयर सेल्स फॉर द ऑयल प्रिजर्वेशन सिस्टम। जो कंजर्वेशन प्रोसेस होती है उसमें कैसे होनी चाहिए, एयर सेल्स होने चाहिए जो क्या करें, एयर अब्जॉर्व करें, ठीक है, ऑयल प्रिजर्वेटिव सिस्टम के लिए। कंजर्वेटर्स विल ऑल्सो हैव द ड्रेन वॉल्व विद ब्लैंकिंग प्लेट एंड ऑयल फिलिंग होल कैप। एक ड्रेन वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, ब्लैंकिंग प्लेट के साथ, और ऑयल फिलिंग होल कैप भी होनी चाहिए, ओके। वन प्रिज्मेटिक ऑयल लेवल गेज, एक ऑयल लेवल गेज भी होना चाहिए, कितना ऑयल है। देखो ऑयल लेवल गेज यहाँ पर दिखा रहा, मैं माउस दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑनलाइन टैप चेंजर एडिशनल MOG शैल बी प्रोवाइड इन द ऑयल TC, ठीक है। ऑनलाइन टैप चेंजर भी होना चाहिए, ज़्यादा हो रहा है तो ऑटो फ्लो ना हो, ठीक है, कम हो रहा है तो इंडिकेट कर दे। इन केस सिलिका जेल ब्रीदर शैल बी प्रोवाइडेड द एक्सेसिबल लोकेशन फ्रॉम द ग्राउंड। एक सिलिका जेल का जो ब्रीदर है वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शैल बी प्रेफरेबली ऑरेंज कलर विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक टाइप। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ, ठीक है। इनके आगे भी थोड़ा सा देखेंगे हम कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करने के टाइम पर। हमने देखा मेन टैंक कंजर्वेटर ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन में क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर मार्शलिंग बॉक्स। ये मार्शलिंग बॉक्स क्या होता है, मार्शलिंग बॉक्स में सारी चीज़ें इंडिकेट होती है, ठीक है। तो क्या क्या दिखाता है, केबलिंग होती है अंदर की, ठीक है, गेज होता है, एयर प्रेशर कितना है, ठीक है, ऑयल प्रेशर कितना है, और वोल्टेज लेवल कितना है, ये सब मार्शलिंग बॉक्स दिखाता है। मार्शलिंग बॉक्स कैसा होना चाहिए, मार्शलिंग बॉक्स शैल बी मेड ऑफ CRCA शीट स्टील, उससे बना होना चाहिए, CRCA शीट स्टील। ऑल ट्रांसफॉर्मर इंटरनल केबलिंग शैल बी टर्मिनेटेड
इन द टर्मिनल बॉक्स फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन। इसी में सारी की सारी केबलिंग और होनी चाहिए, ठीक है। मार्शलिंग बॉक्स शैल हैव मैकेनिकल गेज फॉर OTI एंड WTI, ठीक है। और रिक्वायर्ड अलार्म एंड ट्रिप कॉन्टैक्ट शैल बी वायर्ड टू द टर्मिनल ब्लॉक ऑफ द मार्शलिंग बॉक्स। सारी की सारी जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसके, वो क्या होने चाहिए, वो मार्शलिंग बॉक्स में ही होने चाहिए, ठीक है। देखिए मार्शलिंग बॉक्स में ये सारी की सारी केबलिंग वगैरह मार्शलिंग बॉक्स में की गई है। तो ये कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें थी जिनको हम देख रहे हैं। इनके बाद भी कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए ट्रांसफर डिज़ाइन के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए। आप सोच रहे होंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पहले बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितने MVA का, कितने KVA का ट्रांसफॉर्मर हमें चाहिए, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे, बट थोड़ा वेट कीजिए, तो एक दो वीडियोस के बाद उनकी उसके बारे में आने वाली। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लेना।